कॉर्नर में ऐसे नहीं ऐसे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस इमरान, आपको भी आपको भी। अरे आपको बहुत मुबारक हो, जोरा को बहुत मुबारक हो। और आपने कल जो खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है और आप ट्विटर पे हर तरफ ट्रेंड कर रही थी, सारा खान जोहरा, मेरा फेवरेट सीन था कल रात एपिसोड में जिसमें आप कहती हैं कि मूसा चले जाओ, तो हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ सारा, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन। ओ वो तो फैंटेसी थी, वो तो बहुत ही था, वो अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए भी। और मुझे इतने लोग मैसेजेस कर रहे थे कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन फाइनली तो चलो ना खाब में चलते हैं उसी खाब में एक नया खाब बुनते हैं। लेकिन वंडरफुल वंडरफुल, सबसे जरूरी बात यह है कि मैं और सारा जी सिर्फ इसलिए आए हैं आपके सामने, आपको ये कहने के लिए आए हैं कि आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया ये ड्रामे को कामयाब बनाने में, सारे के सारे हाथ, सारी की सारी जुबानें, सारी की सारी दुआएं आप लोगों की हैं। और मैं और सारा आपको शुक्रिया कहने के लिए आए हैं। सारा कुछ अगर कहना चाहती है तो प्लीज कहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने तो मेहनत की ही की, डायरेक्टर ने, हमने, लोगों ने, हमारी टीम ने, लेकिन इसको जो हिट बनाया है, जो बड़ा बनाया है, वो ऑडियंस ने बनाया है। उन्होंने प्यार दिया है मूसा को, जोहरा को, बाकी सारे किरदारों को, तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतना प्यार देने के लिए। और जब मूसा जोहरा मिले तो लोगों को लगा कि पता नहीं उनकी जिंदगी में कोई मिल गया है और बहुत अच्छा हो गया है, तो इतने प्यार के लिए सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यही हमारी मोटिवेशन है हमें आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए करती है। और इमरान आपका, मैं सबको बता दूं कि इमरान बहुत ही सपोर्टिव एक एक्टर है, इतने सपोर्टिव है, वो हर चीज में बता रहे थे कि ये करना है ये नहीं करना ऐसे करना। नहीं नहीं आपको पता है, आपको आती है नहीं इमरान, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दूसरा एक्टर नहीं रियलाइज कर रहा होता, लेकिन इमरान ना बहुत आगे की सोच रहे होते हैं। जैसे मैं इमरान से डिस्कस कर रही थी कि लास्ट सीन का मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से शूट होगा, इमरान ने कहा मुझे पता था। मुझे पता था वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन था। और आपकी सारा सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर कभी जिंदगी में, पहली बात तो ये कि मैं किसी के काम में, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बोलूँ ना, लेकिन अगर मेरा सीन भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा हो तो मैं सारा से कभी जिंदगी में, जब भी मैंने ये कहा है कि सारा इसको ऐसे कर ले, तो सारा ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि क्यों, ओके तो उसका 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 सामने आपके इतना कमाल एक्टर हो, वो ओवरऑल, कुछ एक्टर्स होते हैं जो ओवरऑल हर चीज को लेके चल रहे, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो आप उनमें से एक हैं जो सब पूरी कहानी को लेके चल रहे होते हैं। कहानी ड्रामा पूरा ही अपना होता है, आप अब सब किरदार मेरे, सब कुछ मेरा, सब ये हम ओन करते हैं, आप भी ओन करती हैं। वो रात याद है आपको जिस दिन बारिश वाली रात आपको ठंड लग रही और आप बिल्कुल एंड हो चुका था आपका, और आपके चेहरे को मैंने गौर से दूर से देखा और मैंने कहा फलक भाई भी बैठे हुए थे वहां, तो मैंने कहा कि मैंने आपके चेहरे से देखा, मैंने कहा सारा आप सीन नहीं करवाए, तो मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा, मैंने कहा सारा 10 मिनट का काम रह गया बस, और सारा ने यूं इधर देखा सारे ओके इमरान। इमरान आप बताओ ना लोगों को कि उस दिन कितनी सर्दी थी जिस दिन वो बारिश वाला शूट किया है, और हम रात को लेट नाइट दो तो बारिश वाला भी खराब आ गया, बारिश वाला उल्टी बारिश कर रहा था, उसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई हमारे बारिश भी ठीक नहीं कर रहा था, बहुत सर्दी बहुत मुश्किल शूट हुआ था। नूर आई है, नूर जफर खान आई है, तो दिल का क्या हुआ? नूर ने पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय किया, पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय किया। सबसे अच्छी बात एक वो कहते हैं ना कि काम का क्रेडिट तो नहीं लेते हम, एक्टिंग का भी लेते, हिट होने का भी नहीं लेते, लेकिन सारा मैं और आप एक ऐसी कहानी देने में कामयाब हुए जिसका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान, हमारे ओरिजिन, हमारे हमारे कल्चर,
हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ा था और हाशिम नदीम ने उसको खूबसूरती के साथ जो नमाज का सीन है मेरा और आपका, और फिर इस बात पे पूरी कहानी ने इस बात पे जोर दिया था कि जात पात कुछ नहीं होती। और बहुत से मैसेजेस हैं इसमें। तो आप कामयाब रही जो जिम्मेदारी है एज एन एक्टर मेरे पे और आप पे, कि हम सोसाइटी तो हमें बहुत कुछ दे रही है, सोसाइटी ने हमें प्यार दिया है, सोसाइटी ने हमें इज्जत दी है, सोसाइटी ने हमें नाम दिया है, सोसाइटी ने हमें पैसा भी दिया है, हम क्या दे रहे हैं, क्या उनकी दिलाजारी कर रहे हैं? सारा ये आप बिल्कुल नहीं करती हैं, आप हर मामले में ख्याल रखती हैं, आपको पता है कि आपका ताल्लुक किस सोसाइटी से है, आपका ताल्लुक किस माशरे से है, वो आप सब चीजों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो आप किसी शो में जाए, चाहे आप किसी ड्रामे में आए, तो ये आप ये सेहरा आपके साथ जाता है, ये मुबारक हो आपको इस बात की कि मैं ट्रेंडिंग जो होती है वो तो किसी भी चीज की आ सकती है, लेकिन जब मैंने रात मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं जब ट्रेंडिंग्स खोल के देखी तो होल पाकिस्तान इज हैप्पी, पूरा पाकिस्तान खुश है कि हमने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया जो हमारे कल्चर से हटके हो। और आई रियली विश कि मेरे मुझे आपके साथ दोबारा काम करने का मौका। ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, मुझसे जो औरत दोबारा मिले इंशाल्लाह हम जरूर काम करेंगे। और मुझे तो फख्र है इमरान कि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोसाइटी कल्चर ये चीजें बड़ा मैटर करती है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक्टर की कि वो क्या दिखा रहे हैं, किस माशरे में दिखा रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है, हमारे राइटर्स उन्होंने कल तो क्या उन्होंने क्या एडिटिंग कर दी है कल वहां पे आप हर किसी को नहीं हर किसी को आप वहां नहीं बुला सकते, हर किसी को आप वहां नहीं बुला सकते। ऐसे मैं और आप वो लोग हैं जो हर रोज 8-9 बजे सबके घर होते हैं, हम उनके घर होते हैं, तो हमें वो लोग हमें वो सब हमें अपना समझते हैं, अपना प्यारा समझते हैं, तो हमें उनके सेंटीमेंट्स का ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो उस कोशिश में आप कामयाब रही और इससे बिस्मिल की पूरी टीम कामयाब रही। और बस एक बात कहूंगा आपसे मैं जाते जाते, आप भी इसके बाद कह दीजिएगा, एक तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती जोरा, तुम मेरे साथ रहो, बस यही दुआ है मेरी। जितनी भी कहानियां होती है यहाँ की हो बाहर की हो कहीं की भी हो, जो जबरदस्ती एक होती है ना कि जबरदस्ती जो दिखाना कि लड़की लड़के से मोहब्बत करती है तो वो बस मनवा के छोड़ेगी, लड़का लड़की से करता है। कितने खूबसूरत तरीके से राइटर ने लिखा है कि अगर वो किसी औरत से प्यार करता है तो वो उसकी रजामंदी चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी तरह का, उसको फोर्स से कहा था ना आपसे, मूसा ने आपसे कहा था ना कि मैंने कभी तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, कभी तुम्हारे घर का पता जानने की कोशिश की, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे घर वाले आएंगे इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुम्हें अपने घर लेके चले जाएंगे। तो प्यार ऐसे ही तो होता है, इतना प्योर इतना साफ कि आप अपने से ज्यादा दूसरे इंसान का सोचते हैं, तो ये मूसा ने करके दिखाया। क्योंकि जो प्यार होता है उसमें कोई दूसरा नहीं होता, दूसरा पहला होता है, आप दूसरे होते हैं। तहरीर इमरान अशरफ, बट और आपको बहुत मुबारक हो, और सबसे बड़ी बात आपको और फलक भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, एक खूबसूरत आपका आगाज होने वाला है जिंदगी में, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, अच्छी सेहत हो, सब ठीक हो, और पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक, सारा जीत गई आप। थैंक यू इमरान, ये सब थैंक यू, यू वांट टू से समथिंग? मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हम दोनों को दुआ में याद रखें, इसी तरह प्यार करते रहें और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और अच्छे पॉजिटिव अच्छी कहानियां हम आप लोग को दिखाते रहें। इंशाल्लाह थैंक यू सारा, थैंक यू, यू रॉक्ड, ज़ोरा रॉक्ड, मूसा शॉक्ड।